वीडियो नहीं जारी किए हैं, ऑफलाइन क्लास में बताए थे स्त्रीलिंग का जो विलोम होता है, स्त्रीलिंग पहचानने का नियम बताए थे कि यदि आपको बाकी नियम आपको पता है तो बहुत अच्छा, यदि बिल्कुल भूल गए हैं तो आपको अगर यदि उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन डालना है तो उसका ट्रिक बताए थे कि यदि अकारांत इकारांत माने ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत में है तो पुलिंग मारिएगा, है ना, और यदि आकारांत इकारांत उकारांत में है तो स्त्रीलिंग मारिएगा। ठीक है, जैसे किसी का भी नाम है यदि फीमेल नेम है तो देखिए अधिकांश फीमेल नेम या तो आकारांत है या इकारांत है या उकारांत है, जैसे शालू देवगुरु ऊ है वहां पे, है ना। ठीक है, मानसी अंत में देव की ई है ना, माला अंत में आ है, उसका नाम हमेशा अक्सर जो है आ आकारांत या इकारांत या उकारांत से स्टार्ट होता है। मिल का नाम देखिए आप औकारांत इकारांत उकारांत होता है, है ना, जैसे गणेश औकारांत है, महेश औकारांत है, राम औकारांत है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये ऐसा अब यदि आपको आपको पूछेगा पुलिंग स्त्रीलिंग और यदि कोई अपराध है, अध्याय है, स्वदेश है, स्थापना, देखिए तीनों अकारांत है, एक अकारांत है तो स्थापना हो गया। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, विषय विषैला बनता है, संज्ञा से विशेषण, पिता से पैतृक बनता है, आदि से आदिम बनता, प्रांत से प्रांतिक नहीं बनता, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला पूछे थे कि पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पाश्चात्य प्रतीची प्राची पौर्वत्य और प्रत्यक्ष, पाश्चात्य मान पश्चिमी सभ्यता को पाश्चात्य कहते हैं तो पूर्वी सभ्यता को पौर्वत्य कहते हैं। ठीक है, तो पौर्वत्य हो गया सही। अगला क्वेश्चन पूछे थे निम्न निश्चित समय के भी पत्र का उत्तर न प्राप्त करने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, तो यदि अगर उत्तर नहीं दे पाता है वो, तो हम पुनः जो स्मारक स्मारक पत्र उसको भेजते हैं उसको कहते हैं अनुस्मारक। ठीक है, पत्र लेखन में आप जानते होंगे, देखे होंगे। अगला था रसास्वादन, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, किसी रस से ना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना, तो किसी रस का उपभोग करना ही रसास्वादन है। काव्य का रसास्वादन यानी काव्य का उपभोग कर रहे हैं आप, काव्य में अपने आप को एकदम तन्मय कर चुके हैं, तो क्या काव्य का रसास्वादन लेगा, उपभोग कर रहे हैं उसका। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है, विवेचन विश्लेषण मीमांसा समीक्षा, तो विवेचन कहलाता है। ठीक है, वो विषय की व्याख्या करना विश्लेषण होगा और उसकी छानबीन करना विवेचन होता है, दोनों में फर्क समझ में आ गया, मीमांसा और समीक्षा तो अलग चीज है। कमल का सौंदर्य भव्य को ही आकर्षित करता है, भैंसे को नहीं, है ना, यह किसको दर्शाता है, सौम्य रम्य सौरभ और सुकुमार, किसको दिखा है, सौरभ को दिखा है, है ना। कमल का सौरभ सौंदर्य भव्य को ही आकर्षित करता है, सौम्य सौंदर्य सौम्य स्वभाव होता है, रम्यता आती है उसके व्यवहार में, सुकुमार ये उसके मतलब शारीरिक चीज का द्योतक है, सौरभ सौंदर्य भव्य को ही आकर्षित कर सकता वैसे को नहीं। निम्न में से सममात्विक छंद कौन सा है, छंद में से है रस छंद अलंकार, इस तीनों से क्वेश्चन आते हैं, तो मात्विक सममात्विक जिसमें मात्रा समान रहती है, चार अगर है तो चारों में मात्राएं समान है ना, दोहा ऊपर नीचे वाला, सोरठा चौपाई और ये सभी, तो चौपाई को ही सममात्विक छंद आते हैं, बाकी ये सोरठा विषममात्विक छंद आते हैं। ठीक है, दोहा दोनों तरह के होते हैं, तो चौपाई ही है जिसमें सममात्विक छंद होता है। आगे देखिए, उधो मोही ब्रज विविशत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्वमन की छाही, है ना, तो इसमें कौन सा रस है, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस। ठीक है, तो हर तरह का रस आपको बताया गया था, तो इसमें कौन सा रस है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, उधो मोही ब्रज विसरत नाही, उस ब्रज को हम भूल नहीं पा रहे हैं, हंस सुता की सुंदर कगवी और दुमन की छाही, उसकी सुंदरता की बघान हो रही यहाँ पे,
तो हास्य रस में तो हंसी आती है, आनंद आता है, वीर रस में वीरता का बखान है, करुण रस में करुणा का बखान है, या निश्चित तौर पर श्रृंगार का बखान है, श्रृंगार रस का होगा। ठीक है, अगला था कि निम्न कहावत का सही अर्थ बताइए, चूहे के चाम से नगारे नहीं बढ़े मढ़े जाते, इसका क्या अर्थ होगा? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, और सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, इसका हवे का ये मतलब है कि चूहे के चाम नगारे नहीं मढ़े जा सकते, है ना, यानी सीमित साधन से हम बड़ा काम नहीं कर सकते। ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पे आते हैं। इंग्लिश से पहला क्वेश्चन था कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम। आइडियम थे जैसे क्वेश्चन एंटोनिम, साइनोनिम, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, क्लॉज, एडवर्ब, वर्ब, इस सबसे क्वेश्चन, नेविगेशन, वॉइस, इस सबसे क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि नेविगेशन और वॉइस ऑफलाइन में भी बताना बाकी है, इसलिए उससे हम क्वेश्चन इसमें नहीं डाले थे, लेकिन अगला जो टेस्ट होगा उसमें निश्चित रूप से रहेगा। सेलेक्ट द आइडियम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम, कीप वन एट द बे, इसका क्या मतलब है, यानी टू कीप समथिंग डेंजरस एट ए सेफ डिस्टेंस, क्लियर हो गया। सेकेंड था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हॉटी का एंटोनिम क्या होगा, इंपॉर्टेंट, प्राउड, हम्बल, बोल्ड, क्या हो जाएगा, हम्बल, सब जानते होंगे, सब याद कर रहे थे आप लोगों को। नेक्स्ट था कि व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ए बिल्डिंग इन व्हिच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, कल्चरल इंटरेस्ट आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, उसको क्या कहते हैं, यह क्या है, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्वेरियम, पोडियम, ऑडिटोरियम, म्यूजियम, एक्वेरियम ये मछली को जहाँ रखते हैं, पोडियम जानते हैं, ऑडिटोरियम जानते हैं जहाँ वो मीटिंग वगैरह होती है, म्यूजियम ही है यहाँ हिस्टोरिकल सबको स्टोर किया जाता है, प्रदर्शित भी किया जाता है उसको। ठीक है, इंग्लिश में अगला क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, पंजेंट का, जेंटल, सेफ, स्ट्रांग, हेवी, तो यह जो है पंजेंट का जो है मतलब होता है स्ट्रांग, तो साइनोनिम पूछ रहा है, समान अर्थ पूछ रहा है, तो स्ट्रांग हो गया। Select the word which means the same as the group of words given. The scientific study of birds, ornithology, zoology, entomology, anthropology. तो birds के study को ornithology कहते हैं, one word substitution में बताए थे। अगला है कि select the most appropriate option to fill in the blanks in the given sentences. Don't afraid of the storms or the in your life. Challenges, challenge, challenged, challenging. वो आपसे questions आ गए। तो ये हो गया चैलेंजेस इन योर लाइफ। हर थिंकिंग लर्न्स लीन्स विथ डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, फॉर डेमोक्रेसी, नॉन ऑफ दिस, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस हो गया, तो टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, सबका यूज अलग अलग सारे नियम से लिखा दिए गए हुए हैं, यदि आप भूल रहे हैं तो उसको फिर से देख लेंगे। अगला, ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवरवर्क, बिकॉज ऑफ overwork, on overwork, for overwork. तो because of overwork कारण का जब बताता हूँ तो because of का यूज कहते हैं, तो ये सही होगा, because of का यूज आपको लिखा दिया गया कि नहीं यूज उसका। अगला, the train as fast as the bus went, की running, की moves, की going, है ना, the train moves as fast as the bus, ये चूंकि जो सामान्य स्टेटमेंट होते हैं उसको present indefinite में रखते हैं, ये भी रूल्स आपको पता है, टाइम एंड टेंस में लिखाया गया था, तो यहाँ हो गया मूव्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इवेंचुअल, इवेंटल, इवेंचुअल और इवेंचुअल, यहाँ देखिए इवेंचुअल, यहाँ पे क्या वी ई होता है, यहाँ पे ए है, ये होगा नहीं, इवेंटल होता ही नहीं है, है ना, इवेंचुअल यही करेक्ट हो गया, यहाँ इवेंचुअल यू को पहले नहीं डाल के बाद में डाल दिया, सी हो गया करेक्ट ऑप्शन। मीनिंग ऑफ सी आई टू आई, आई से आई मिलाना, यानी टू एग्री फुल्ली, नॉट एग्री फुल्ली, इन ए बैटल फील्ड एग्री, एग्री में तो आई से आई मिलाता नहीं, टू एग्री फुल्ली, ठीक। करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी,
इकोनॉमिक्स हैव बीन टॉट बाय थ्री प्रोफेसर्स, यदि सही है तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि सही नहीं है तो सही क्या होगा। इकोनॉमिक्स हैव बीन टॉट बाय थ्री प्रोफेसर्स, है ना। देखिए इसको जो है सिंपल वे में आप समझ जाएंगे, इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स है तो ये सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं होता। तो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव की हैज, तो हैज का प्रयोग बताया गया था, तो यहाँ पे देखिए हैव है तो गलत हो गया, हैज यहाँ है, तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो गया। करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी, वन शुड रेस्पेक्ट हिज ओन कंट्री, है ना। तो यहाँ पे वंस का यूज आपको लिखाया गया था, यदि जो सारे ग्रामर के रूल्स जितने अब तक हो चुके हैं इसको यदि पूरा फॉलो कर लिए होंगे तो आप इंग्लिश में एक भी मिस्टेक नहीं किए होंगे, है ना। करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी, वन शुड रेस्पेक्ट हिज ओन कंट्री, एक को अपने कंट्री को रेस्पेक्ट करना चाहिए, वन शुड रेस्पेक्ट हिज ओन कंट्री, हाँ हिज ओन कंट्री, वन शुड रेस्पेक्ट हर ओन कंट्री, वन शुड रेस्पेक्ट देयर ओन कंट्री, वन शुड रेस्पेक्ट वंस ओन कंट्री, वंस ओन कंट्री, और यही आपको एग्जाम्पल भी लिखाया गया। ठीक, नेक्स्ट, करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी, ही इज जूनियर देन मी, यहां जो है ये गलत हो गया, क्या लिखाया गया था, ये भी आपको लिखाया गया था, ही इज जूनियर टू मी, उनसे यहाँ देन मी नहीं होता, टू मी का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ कंपैरेटिव सेंटेंस जब यहाँ मी आता है तो टू का प्रयोग होता है, ऐसा रूल्स आपको लिखा दिया जा चुका है। यदि इंग्लिश आप सारे रूल्स को ध्यान में किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक नहीं होगा। जो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लास, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से हम काफ़ी वीडियोस हमारे इंग्लिश ग्रामर के जा चुके हैं, उसको क्लियर कंसेप्ट कर लें। यदि आप कहीं और भी कर रहे हैं तो वहाँ से भी कर लें, आपके पास कोई इस तरह का अच्छा सा बुक्स है तो उससे भी आप कर लें, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने से। करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी, द गर्ल इज टॉकिंग बिस्कुट्स एवरी डे, है ना, गर्ल्स इज टॉक एवरी डे, देखिए यहाँ जनरल जब बताया आपको बताए थे कि यदि जो जनरल स्टेटमेंट होता है, रूटीन स्टेटमेंट, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, तो यहाँ है द गर्ल इज टेकिंग, यहाँ प्रेजेंट क्या हुआ, कंटिन्यूअस में आ गया, इम्परफेक्ट जिसको कहते हैं, है ना, तो इसमें आ गया तो ये गलत हो जाएगा, द गर्ल टेक्स बिस्कुट्स एवरी डे। ठीक, ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अब जो 20 जीके से पूछे गए थे उनको हम लोग देख लें जल्दी से। इनमें हिमालय की श्रेणी में कौन सा सबसे प्राचीनतम है, बृहत हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और निम्न हिमालय, तो शिवालिक श्रेणी तो भी नवीनतम श्रेणी है, बृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखला निम्न से किस नदी पर बना, तो भाखला जो है गोदावरी नदी पर बना हुआ है, मांड वाला हम अलग से बताए थे, हाईलाइट करवा दिए थे कि ये सब जरूर पूछता है, निश्चित तौर पे ध्यान में रख लेंगे, और ऐसा हम ऑफलाइन में भी भेज चुके हैं। पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है, आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, तो स्थान पर जो स्थान से संबंधित भी प्रमुख स्मारक थे या फिर प्लेसेस थे तो उससे भी हम हाईलाइट आपको करवाए हुए हैं सारे, तो उस से आप देखे होंगे फतेहपुर सीकरी है, वीडियोस में भी इस तरह के हम डाल चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए इसको हमेशा अपडेट रखेंगे। कौन सी दक्षिण भारत नदी है, तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कही जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको हाईलाइट करवाया गया था, ठीक है, इसलिए आपको इसमें मिस्टेक नहीं हुए होंगे, आप बस अपडेट रखना, यदि मिस्टेक आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप प्रॉपर वे में उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम का बहुत कम टाइम है, ठीक है, उसको अच्छे से देखते रहना। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात, ये भी आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन था। भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, देखिए इसके वीडियो में भी हम डाले हुए हैं और आपको ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा अभी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इससे विपुल पैमाने में ऊर्जा निकलती है, किस अभिक्रिया के द्वारा, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा, यूरेनियम से विखंडन कराया जाता है या फिर कोई भी अगर भारी नाभिक है उसका विखंडन करके नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, चूंकि कोयला का घट रहा है, पेट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं, जल विद्युत भी बहुत ज्यादा पैमाने में ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, जल विद्युत एक बहुत अच्छा स्रोत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, है ना, कोयला भी एक अच्छा स्रोत है, थर्मल पावर प्लांट जो आप देखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है, ऐसे सौर ऊर्जा पर हमारे गवर्नमेंट जो है वो बढ़ रहा है, जो हम पर्यावरण चैप्टर में
धन विधेयक इनमें से कौन सी सदन के अंदर प्रस्तुत किया था बताइए कि बाकी था, लेकिन धन विधेयक ही ऐसा है जो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया था। झंडा दिवस 7 दिसंबर को ये पता होगा, इसलिए आप ये क्वेश्चन हम सिर्फ दिए थे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ झंडा दिवस आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण दिवस को भी आप ध्यान में लेके चलेंगे, हर चीज को जो भी हाईलाइट किया गया था उसको एक नजर हमेशा अपडेट बनाते रहेंगे, ठीक है, होमवर्क ना मिले आपको अपडेट रखना है। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हो गया था, तो निजीकरण में अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक चैप्टर में आपको बताया गया था कि सबसे पहला मारुति उद्योग लिमिटेड जो पहले क्या था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, लोकोपक्रम था, उसको उसका निजीकरण हो चुका, ठीक है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कौन सी तिथि को स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत में रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि इससे पहले ही राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया जा चुका था, राष्ट्र गीत को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ये लाइन हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान होगा। सिल्क मार्ग किसने शुरू किया था, कनिष्क ने शुरू किया था, ये भी क्लियर होगा, चीन से इसके अच्छे संबंध थे। वेद समाज की स्थापना, ठीक है, तो केशव चंद्र सी थी संस्थापक, वो थे, कंफ्यूजन ही होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज कौन से, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, दिल्ली स्टॉक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाद में बना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अब, ठीक है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों सेबी के अंडर में अभी कंट्रोल होता है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना स्टॉक एक्सचेंज। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का कौन सा कितना योगदान है, 80% भी हाईलाइट कराया गया। भारतीय गेंडे कौन से स्थान पर पाए जाते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजी रंग अभयारण्य, तो किस अभयारण्य में कौन से या पक्षी विहार में किसके लिए फेमस है या कौन अभयारण्य कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद मेरा यही था कि उसको भी आपको देखते रहना, काजी रंग अभयारण्य। पाटलिपुत्र की संस्थापना उद्यान ने की थी, ठीक है, अशोक का पाटलिपुत्र से बहुत, लेकिन ऐसा नहीं समझ लेंगे उसके संस्थापक कौन थे, उदयन, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा का किए थे कुमारगुप्त प्रथम, हो गया। इंडिका के लेखक मेगास्थनीस, क्लियर होगा। काले चमके बिहार के कौन से स्थान से प्राप्त हुए थे, तो प्राचीन बिहार से ये क्वेश्चन डाले थे, बक्सर और चिल्हान से ये प्राप्त हुए थे, और भारत के जो भारत का जो प्राचीन बिहार का प्राचीन इतिहास का जो पहला वीडियो हमारा है उसमें देखें यही से स्टार्ट किया, बक्सा और चिरान से काले चमकीले मेघवान हैं। निम्न जोगों में से कौन सा जोगा सही नहीं है, तो कर्णी प्रथम महिला खिलाड़ी, ये तो शायद नहीं थी, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य के प्रथम लेखक ये थे, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, कार्नेलिया सौरभ जी प्रथम महिला खिलाड़ी नहीं थी, तो ये 16 सही नहीं है। ये क्वेश्चन पैटर्न भी आपको पता हो गए और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता हो गए। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन में सारी क्लास को कंसर्स रूप से ज्वाइन कर रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो मोर देन 80% मार्क्स हर हाल में ले आएंगे, और जो अगर ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं ना तो ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख ले रहे हैं, वो कैंडिडेट्स भी निश्चित तौर पे उसी के आसपास मार्क्स ले आएंगे। हो सकता है कि वो अगर जिसको भूल जाते होंगे उस वीडियो को दोबारा भी अगर देखते हैं, निश्चित तौर पे यदि उसको आप एक्वायर कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप उस चैनल को जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको, जो भी मैथ्स रिलेटेड वीडियोज हैं, साइंस से रिलेटेड वीडियोज हैं, जीके से रिलेटेड वीडियोज हैं, हिंदी से रिलेटेड वीडियोज हैं, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज हैं, यही विषय से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं 5 विषय से, बाकी उसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोज हैं, भी वीडियोज हैं, लेकिन ये 5 विषय से रिलेटेड लगभग 80 से 85 वीडियोज आपके हैं। सारे वीडियोज पे यदि आपको रेगुलर यदि देखते हैं, बहुत सारे वीडियो अभी जाना बाकी है, 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर वो वीडियोज भी आपके पास पहुंचेंगे। यदि आप रेगुलर वे में देखते हैं तो 70-80% से कम मार्क्स आपको भी नहीं आएंगे, यदि 60+ नंबर भी है, 60% प्लस नंबर भी आप ले आए
निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन पक्का है हन? आप सभी बहुत बहुत शुभकामना, आपको एक पैटर्न पता हो गया, इसके हिसाब से आप तैयारी कर लें। यदि किसी टॉपिक्स में आपको कोई कंफ्यूजन है और ऑफलाइन क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड है, हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी टॉपिक पे आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कॉमेंट में डालें, निश्चित तौर पर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।